अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज का व्लॉग डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है घर की सफाई से। घर की सफाई तो नहीं है, ये फ्रिजेस की सफाई है। तो फ्रिज भाई इस्तेमाल तो होता है रोज़, खुलता बंद होता है, चीज़ें रखी जाती हैं, सामान होता है इसके अंदर, तो गंदा तो हो ही जाता है। हालांकि रोज़ाना डस्टिंग करते हुए साफ़ होता है, बाहर से अंदर से थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं साफ़। तो इतना तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं लग रहा है, बट स्टिल एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मेरे फ्रिज में जो है वो शीशे वाले रैक्स हैं, तो इस पर मैंने शीट्स लगा ली थी वाइट कलर की, तो उससे काफ़ी मुझे फ़र्क लगा, क्योंकि पहले सिर्फ शीशे होते थे, वो हमें रोज़ साफ़ करने पड़ते थे, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। अब शीट्स हैं तो शीट्स नज़र आती हैं कि हाँ गंदी हैं, वो तो आप निकाल के धो लें, वैसे ही आप कपड़े से भी साफ़ कर लें तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने सर्फ़ और ब्लीच का जो है वो एक सोल्यूशन बना के मैंने पूरा फ्रिज साफ़ किया, इससे एक एक चीज़ निकाल के, एक एक रैक निकाल के सारा साफ़ करके फिर दोबारा चीज़ें लगाई। मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी एक होती है कि सफाई होनी चाहिए, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं। तो घर की तो करते ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए मैंने एक एक रैक निकाल के एक एक चीज़ साफ़ की, शीट साफ़ की, सारा पहले खाली किया। खाली करने पे भी बड़ा फ्रिज है, लगता नहीं है कि इतना सामान होगा, बट जब निकाला तो इतना ज़्यादा सामान था। तो जी सारी चीज़ें एक साथ साफ़ करके सब लगाई फ्रिज में वापस, तो अच्छा सुकून मिलता है कि चीज़ें साफ़ हो गई। घर की बड़े बड़े काम होते हैं जो आप वंस इन अ मंथ कर लेते हैं, वैसे तो डेली सफ़ाई होती है। शीट्स भी देखिए तो इतनी गंदी नहीं है, वाइट कलर की शीट्स मैंने इसमें लगा दी थी काट के, तो इस काफ़ी सहूलत है। ये एंटी स्लिप भी होती हैं और फ्रिज की काफ़ी बचत हो जाती है। तो पहले शीशे बहुत गंदे होते थे, शीशे बहुत बड़े बड़े हैं इसके, अब उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। शीशों पे अगर निशान पड़ जाए तो वो बड़ी मुश्किल से साफ़ होते, उनको फिर प्रॉपरली आपको धोना ही पड़ जाता है, वो फिर सिर्फ कपड़े से साफ़ नहीं होते। तो जी देखें आगे मैं दिखाती हूँ कितना साफ़ हो गया। टाइम तो लगता है अच्छा खासा हर चीज़ में, लेकिन करना पड़ता है भाई जब आपका अपना घर होता है तो। वैसे हम लोग कमी लोग हैं, तो लोग कहते हैं तुम लोग दो लोग तो हो, खाना भी इतना नहीं बनता, क्या करते रहते हो पूरा दिन। तो वही बात है कि काम निकालने से निकलते हैं और निकलते ही रहते हैं। अगर आपको सफाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो आप कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं अपने घर में। तो बस ये देखें आगे मैं दिखाती हूँ कैसे साफ़ हुआ, इसको जल्दी से रैपअप कर दे, साफ़ कर दे और दिखाती हूँ कैसे तो जी देखें थोड़ी सी एफ़र्ट लगी और आपका एक बड़ा काम हो गया। बड़ा काम ही होता है फ्रिज साफ़ करना, बहुत मुश्किल लगते हैं मुझे तो, लेकिन बस वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। एक दिन निकाल के आप कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। ये देखिए फ्रीज़र मैंने थोड़े दिनों पहले ही साफ़ किया था। ये देखिए जी मेरी मम्मी का 35 ईयर्स ओल्ड पुराना फ्रिज, ब्रांड भी तोशीबा है। ये मम्मी बताती हैं कि मेरे चाचू लाए थे, शिप के थ्रू लेके आए थे वो। तो बस ये भी जल्दी से साफ़ कर लेंगे
ये भी काफ़ी साफ ही रहता है क्योंकि अपनी करती रहती हैं, इसमें इतना गंद नहीं होता। बस जी लोग कहते हैं दो लोग होते हैं तो कोई काम नहीं होता, काम निकालने से होता है। जब तक आप अपने घर में खुद नहीं लगते हैं तब तक आपका घर साफ़ सुथरा हो ही नहीं सकता। मासियों से भी काम कराने के लिए आपको खुद काम आना चाहिए, वरना मासियाँ भी ऐसा चलता हुआ काम करती हैं कि दिल ही जलता है मासियों को रख के। मैंने देखे हैं लोगों के फ्रिज, ओ खुदाया, पता नहीं उस फ्रिज में खाना कैसे साफ़ सुथरा रहता होगा, मुझे समझ नहीं आती। नहीं करते लोग सफाई, हर लोगों को एक तो शौक भी नहीं होता, जिसको शौक नहीं होता उसको कभी देख ही नहीं जाता, और सफाई का ख्याल भी नहीं होता फिर ज़ाहिर है। आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो मासियों के रहम करम पे होते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई है, आप ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है अगर छोटा फ्रिज है तो। मैनेज करने वाला होना चाहिए, हर चीज़ मैनेज हो जाए। हमारी अम्मा ने कितने ज़माने तक सिर्फ इसी फ्रिज के साथ गुजारा किया, वो भी गुजारा करने वाला होना चाहिए। लोग अभी तक हैरान होते हैं कि आपके पास ये वाला फ्रिज अभी तक है, तो जी फ़ख्र भी होता है बताते हुए, हाँ अभी तक है, मेंटेनेंस उसकी है इसीलिए चल रहा है अभी तक, वरना तो। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो जी मिलेंगे फिर किसी दिन, ज़रूर बता करें मैसेज करके कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं। कोई मैसेज नहीं करता, कोई प्रमोट करना नहीं चाहता, तो ज़रूर मैसेज किया करिए, पता चलता रहे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और किस कंटेंट पे वीडियोस बनानी चाहिए। जाहिर है डेली व्लॉगिंग पे तो आप यही देख सकते हैं, हम कहीं चले गए, हमने घर में क्या किया, तो यही रूटीन रहती है बस। तो जी चलिए मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, सफाइयाँ करिए, करते रहें, घर साफ़ सुथरा रखें, सफाई तो निस्पे मान है। तो जी मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।